रीवा में स्टैचू चौराहा से कोतवाली रोड अब बनवे के रूप में देखी जाएगी। आपको बता दें, स्टैचू चौराहा से कोतवाली रोड तक फोर व्हील वाहन, थ्री व्हील वाहन के चलते काफ़ी जाम की स्थिति निर्मित होती थी, जिससे रीवा एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर चौराहा पर यातायात पुलिस ने स्टॉपर लगा दिया। यातायात थाना प्रभारी अमीना शर्मा ने बताया कि रीवा में मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि स्टैचू चौराहा से कोतवाली रोड तक काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है, जिससे जाम आए दिन लगा रहता है, इसलिए यहाँ पर स्टैचू चौराहा में स्टॉपर लगा दिया जाए। अब यहाँ पर चार पहिया या तीन पहिया वाहन स्टैचू चौराहा से कोतवाली तक नहीं जा सकेंगे, लेकिन कोतवाली से चार पहिया व थ्री व्हीलर वाहन को आने दिया जाएगा। और इसी चौराहे पर काफ़ी ठेले वालों की भीड़ भी देखी जाती थी, जिसको यातायात पुलिस ने अलग व्यवस्था बनाई है। वहीं स्टैचू चौराहा पर अब यातायात पुलिस भी नजर आएगी। यातायात व्यवस्था को लेकर के कल श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो भी घोड़ा चौराहे में ज़्यादा सकरी गली होने के कारण फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर जो भी जाती हैं, तो जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है, तो इसको वन वे करने के निर्देश दिए गए थे। तो आज यातायात पुलिस के द्वारा हम लोगों ने स्टॉपर लगाए हैं, और स्टॉपर लगा करके उसके ऊपर एक बैनर लगाया है, जिसमें चार पहिया और तीन पहिया जो भी वाहन है, तो वो प्रतिबंधित किए हैं कि यहाँ से जाने के लिए उनको बंद रहेगा और उधर से वो निकल सकते हैं। ये व्यवस्था हम लोग एक बार करके देख रहे हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। वहाँ से जाएंगी बस, यहाँ से बाहर निकलेंगी लेकिन जाएंगी दूसरे रूट से। ठेले वाले भी यहाँ खड़े रहते थे, उनको भी हम लोग समझाइश दे रहे हैं, उनके भी चालान होते हैं, उनको भी हम लोग लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि आप लोग जहाँ आप लोगों को जगह बताई गई है वहाँ अपने ठेले लगाएं और अनावश्यक रोड पे मत लगाएं, जिससे यातायात